जय गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्में श्री गुरुवे नमा अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर प्रारंभ करते हैं। वास्तु पुरुष के शरीर पर स्थित विभिन्न पैतालीस देवता उनके प्रकृति व्यवहार गुण धर्म को समझने का प्रयास किया जा रहा है इस क्रम में दक्षिण दिशा में हम अग्नि वितद ग्रह क्षत यम गंधर्व को देख चुके हैं आज की इकाई में आज के पाठ में हम भृंगराज इन देवता को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो ब्रह्मा मध्य में स्थित है उससे दक्षिण दिशा में विवस्वान और विवस्वान का पद अपने अंदर जिन गुणों को समाहित रखता है वो है वितथ गंधर्व वितथ ग्रहक्षत यम गंधर्व भृंगराज इन सबके गुणों को अपने अंदर समाहित रखने वाला पद विवस्वान और आज हम भृंगराज के पद को देखेंगे तो भृंगराज का निघंटू दिया राक्षस नृत्य का पुत्र ऐसा निघंटू दिया तो निरति जो है वो उसका शब्द दिया प्रलय विध्वंस समाप्ति और भृंगराज को कहा नृति का पुत्र तो प्रलय के पश्चात की स्थिति विध्वंस के पश्चात की स्थिति समाप्ति के पश्चात की स्थिति इस प्रकार का अर्थ लगा भृंगराज का निरति का अर्थ हुआ बुरा विपरीत परिणाम दुर्भाग्य आपदा अर्थात जब भृंगराज का पद दोषयुक्त होता है तो भाग्य साथ नहीं देता भाग्य साथ नहीं देता अर्थात जो हमारा प्रारब्ध है जो पूर्व कर्म है संचित कर्म है वे अपना फल देने में सक्षम नहीं होते हैं शुभ कर्म उसमें बाधा आ जाती है तो शुभ कर्म का परिणाम उसको प्राप्त नहीं होता है नृत्य को मृत्यु और भ्रष्ट आचरण की देवी भी कहा तो जब भृंगराज के पद में दोष हो तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होता है अपने गलत आचरण या भ्रष्ट आचरण के फलस्वरूप व दुख को प्राप्त होता है ये नृति जो है अधर्म की पत्नी महाभय भय नरक की माता हिंसा की पुत्री है और भृंगराज जो है वो निरति का पुत्र है तो इस प्रकार के जब हम चीज़ों को विश्लेषण करते हैं देखते हैं तो पाते हैं कि अधर्म का आचरण करने से व्यक्ति भय महाभय इस प्रकार उनको प्राप्त करता है उसका व्यवहार हिंसक होता है इस पद के साथ ये ब्रंगराज का पद है निरति का पद है विधर्भ वि, वितथ और सत्य के पद में भी दोष हो तो व्यक्ति का जो आचरण है वो अधर्म पर आधारित होता है उसका जो व्यवहार है आचरण है वो भ्रष्ट हो जाता है वह सदैव क्रोध और हिंसा से युक्त होता है इसके परिणाम स्वरूप वो भय से ग्रसित रहता है क्योंकि आचरण हो गया अधर्म का और भय से युक्त हो गया हिंसा और क्रोध से युक्त हो गया तो उसका जीवन बड़ा कष्टप्रद होता है निरति को जब देखेंगे तो वो पाश में बांधने वाली है उसकी प्रतिमा विज्ञान में मोह शब्द आया है ऊंट को ऊंट जो रिप्रेजेंट करता है वो मोह को रिप्रेजेंट करता है तो ये बताया कि जब निरति का पुत्र कहा निरति को पाश में बांधने वाली मोह में बांधने वाला इस प्रकार का वर्णन किया तो मोह का जो परिणाम होता है वो भृंगराज का पद है तो मोह का क्या परिणाम है कि व्यक्ति सही निर्णय न ले पाए समत्व में स्थित न रह पाए पूरी भगवत गीता जब सुनाई तो भगवान ने अठारहवें अध्याय के बहतरवें श्लोक में अर्जुन से पूछा कि तूने ये जो गीता सुनी उससे अज्ञान से उत्पन्न मोह का नाश हुआ तो अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु मैं स्मृति को लिप्त हुआ दृष्टा स्मृति को उपलब्ध हुआ दृष्टा भाव को प्राप्त हुआ और मेरा जो मोह था शरीर में मन में है ना पदार्थ में वो सारे मोह का नाश हो गया अब मैं स्वरूप में स्थित हो गया है ना तो ये इस पद में जब दोष हो भ्रंगराज के पद में दोष हो तो व्यक्ति जो है वो मोह से ग्रसित होने के कारण मोह किसका परिणाम है वो निरति का तो उससे ग्रसित होने के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता निति का एक अर्थ क्षय भी होता है क्षय यानी डीके और क्षय का पुत्र यानी हानि जो स्थिति क्रमशः बिगड़ती जाए उसके बाद की जो स्थिति है जहां भी व्यक्ति स्थित है उससे नीचे की ओर गिरता चला जाए उसके पश्चात दो जो स्थिति बनती है वो भ्रंगराज का पद है जब भ्रंगराज का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति कैसा होता है सुरक्षित होता है समृद्ध होता है अहिंसक अर्थात दयावान होता है सौभाग्य से युक्त होता है उसका भाग्य उसका साथ देता है उसके शुभ कर्म उसका प्रारब्ध उसके फल प्रकट होते हैं कार्य करता है तो उसको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं प्रकृति उसको सहयोग देती है जो भी कार्य करता है उसमें प्रकृति का सहयोग उसको मिलता है वो भय से क्रोध से हिंसा से मुक्त रहता है प्रतिक, प्रकृति के साथ अलाइंड रहता है इस स्थान को हम भाग्य स्थान के रूप में भी देख सकते हैं राक्षस शब्द का अर्थ जब देखते हैं, देखते हैं तो जो वस्तु की रक्षा करता हो तो निरत्ति का अर्थ राक्षस या का पुत्र राक्षस जब इसको कहा तो रक्षण से भी इसका संबंध है अशुभ से रक्षण करना मोह से रक्षण करना क्रोध से रक्षा करना हिंसा से रक्षा करना इस प्रकार इसका अर्थ रक्षण से भी संबंधित किया जा सकता है कोई व्यक्ति कोई वस्तु जब व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहे और ये पद शुभ हो तो ये उसकी रक्षा करता है अशुभ होने पर नुकसान और हानि होती है इसके अतिरिक्त भ्रंगराज पद में जब दोष होता है तो उसका एक और परिणाम बताया कि जो भी ज्ञान है हुनर है कला है आर्ट है व्यक्ति के पास उसका वो उपयोग नहीं कर पाता है चीज उसके पास है वस्तु उसके पास है ज्ञान उसके पास है पर उसका वो उपयोग नहीं कर पाता और इस पद के शुभ होने पर व्यक्ति अपनी जो भी आर्ट है कला है ज्ञान है उसका उपयोग कर पाता है जब हम भ्रंगराज पथ के गुणों को देखते हैं तो पाते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी अलग अलग फूलों से रस को इकट्ठा करती है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग स्रोतों से अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करता है अपने आर्ट की अभिवृद्धि करता है और उत्तर उत्तर प्रगति को करता है तो इस प्रकार ये जो भृंगराज का पद है उसको भी हमने देखा भृंगराज सम्रांगण सूत्रधार में अपराजित प्रच्छा में उसका जो अर्थ किया वो राक्षस निरति का पुत्र मोह से उत्पन्न होने वाला मोह निरती को कहा शुभ होने पर समृद्धि देने वाला उपयोग की दृष्टि से जब देखते हैं तो शयन के लिए शुभ है धान्यालय के लिए शुभ है आभूषण रखने का स्थान बताया मानसार ग्रंथ के आधार दोष दूर करने के उपाय में कहा कि जो दोष है कटा फटा टूटा फूटा बदबू इत्यादि को पहले दूर करो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करने के लिए कहा कि सोना मक्खी माक्षी जिसके कहते हैं एक प्रकार का खनिज है उसको भूमि के अंदर लगवाना चाहिए और जो भृंगराज का पदार्थ बताया हो हवन का उस पदार्थ से हवन करना चाहिए यदि वो भोज्य पदार्थ खाने के लिए उपयुक्त है तो उसका भोजन करना चाहिए इस प्रकार से भृंगराज के पद के दोष को दूर किया जा सकता अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं आगामी पाठ में हम पश्चिम दिशा के पद को देखने का प्रयास करेंगे क्रम क्या बनाया ब्रह्मा फिर आरिमा और उसके बाद चैंत महेंद्र सूर्य सत्य ब्रज देख फिर पहले इधर दक्षिण के पांच पद देख लिए अब या तो समग्र रूप से विवस्वान देख लेंगे जो कि वितद ग्रहक्षत यम गंधर्व और भ्रंगराज के गुणों को अपने अंदर समेटे हुए है अथवा पश्चिम दिशा में पांच पद को देखेंगे अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं ओम शांति शांति शांति